नमस्कार दोस्तों आज न्यू उड़ान क्लासेज में आपको कृषि से संबंधित सभी टॉपिकों के लिए आज एक नई तरीके से हम न्यू उड़ान क्लासेज में आज हम लेके आए आज अपना फर्स्ट टॉपिक लेंगे हम कृषि जलवायु खंड तो सभी दोस्तों देखते जाओ अभी अपना टॉपिक है कृषि जलवायु खंड पहला ही टॉपिक है अपना कृषि का कि कृषि जलवायु खंड कृषि जलवायु खंड की बात की जाए एग्रो क्लाइमेटिक जोन की तो यहाँ भारत को पंद्रह कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है कितने खंडों में पंद्रह में और इन सब का जो विभाजन है वो किसके अनुसार है योजना आयोग के अनुसार योजना आयोग के अनुसार इसको पंद्रह भागों में विभाजित कर रखा है परंतु आईसीआर के अनुसार भारत को कितने भागों में विभाजित किया गया है आठ भागों में विभाजित किया गया है इसी प्रकार से देखा जाए तो नार्प अनुसार एक अनुसार 127 भागों में भारत का विभाजन किया गया है इस कंडीशन में देखा जाए तो जो राजस्थान है राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया गया है दस भागों में विभाजित किया गया है और राजस्थान के जो दस भाग हैं अपने मुख्य रूप से यहाँ भारत के जो पंद्रह भाग हैं, भारत के पंद्रह भागों में राजस्थान छ आठ और चौदह कृषि जलवायु खंड के अंदर आता है अब बात करें कि कृषि जलवायु खंड है क्या कृषि जलवायु खंड है कृषि की भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत का विभाजन और उसी प्रकार से राजस्थान का विभाजन तो यहां जो अपने राजस्थान की मेनली बात की जाए तो कृषि की विभिन्न परिस्थितियां वर्षा की मात्रा मर्दा का प्रकार वह वनस्पति इन सभी के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में विभाजित कर रखा है दस भागों के अंदर विभाजित कर रखा है तो राजस्थान के जो दस भाग है उनके अपन वन बाय वन करके चर्चा करेंगे कि राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में क्या भौगोलिक स्थिति है और किस प्रकार से वहां पर देखा जाए तो मेनली कौन कौन से जिले उसके अंतर्गत आते हैं तो राजस्थान की जो मेनली अपन बात करें तो यहाँ अपन एक राजस्थान का मैप लेते हैं और राजस्थान का जो मैप है उसमें विभिन्न प्रकार के कृषि जलवायु खंडों की बात करते हैं तो यहां अपने जो दस कृषि जलवायु खंड हैं राजस्थान के उनमें पास्ट ए पास्ट बी पास्ट सी पास्ट है उसको तीन भागों में विभाजित कर रखा है फिर सेकंड ए और सेकंड बी थर्ड ए और थर्ड बी फोर्थ ए और फोर्थ बी और लास्ट अपना फिफ्थ ये साधारण रूप से इसका विभाजन है लेकिन अब अपने को यह पता करना है कि इनका नामकरण किस प्रकार से किया जाए किस कृषि जलवायु खंड का कितना भौगोलिक सेक्टरपल है तो यहां अपन बात की जाए राजस्थान की तो ये राजस्थान का कौन सा भाग है पूरव ये पश्चिम उत्तर और दक्षिण मुख्य रूप से देखा जाए तो राजस्थान का जो दस कृषि जलवायु खंडों के अंदर विभाजित किया गया है तो पस्ट कृषि जलवायु खंड की बात करते हैं तो पास्ट ए के अंतर्गत अपना मेनली देखा जाए तो जोधपुर और बाडमेर यहां जोधपुर भी देखा जाए तो कई बार पश्चिमी जोधपुर नाम आता है संपूर्ण जोधपुर भी नहीं लेकर पश्चिमी जो जोधपुर है वो पष्ट ए कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत है कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत देखा जाए तो इसका जो सेक्टरफल है वो फोर पॉइंट है. है? सेवन फोर मिलियन हेक्टेयर है कई बार अगर इसको सीधा लिखा जाए तो सैतालीस लाख हेक्टेयर भी अपूर्ण लिख सकते हैं क्यों क्योंकि मिलियन हेक्टेयर में नहीं आएगा तो फिर अपने को किस में लेना है लाख हेक्टेयर के अंतर्गत लेना है नेक्स्ट इसके बाद में बात की जाए इस सेक्टर के अंदर जो औसत वार्षिक वर्षा औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी है 250 से लेकर 300 सौ mm तक इस एरिया के अंदर जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो कितनी होती है 250 से लेकर 300 सौ mm एमएम तक अब इसका नामकरण करते हैं किस दिशा में पश्चिम दिशा में और शुष्क है तो इसका नाम क्या लिखेंगे अपूर्ण शुष्क पश्चिमी मैदानी सेक्टर शुष्क पश्चिमी मैदानी सेक्टर यह अपना फर्स्ट ए कृषि जलवायु खंड का नाम है नेक्स्ट इसके बाद में यहां देखा जाए फर्स्ट ए कृषि जलवाई खंड के बाद में अगर दूसरा कृषि जलवायु खंड आता है तो वो अपना कौन सा आता है फर्स्ट बी और फर्स्ट बी के अंदर अपना गंगानगर हनुमानगढ़ ये दो जिले मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आते हैं अब इसमें देखा जाए इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है गंगानगर और हनुमानगढ़ का वो कितना है 2.10 मिलियन हेक्टेयर वही जो मैंने पहले बताया कि इसमें भी अगर देखा जाए तो पूर्ण इक्कीस लाख हेक्टेयर भी इसको लिखा जा सकता है इस सेक्टर की औसत वार्षिक वर्षा है वो है सो से तीन सौ एम तक सो से तीन सौ एम इस सेक्टर की मेनली बात की जाए तो इंदिरा गांधी नहर के कारण यह एरिया क्या है पूर्ण रूप से सिंचित है तो इसीलिए इसी के आधार पर इसका नाम लिख देंगे फिर यहां गंगानगर और हनुमानगढ़ पूर्ण रूप से उत्तर में न होकर कुछ भाग इनका पश्चिम में भी है तो उसी आधार पर इसका नाम दे रखा है पश्च बी का पश्च बी का नाम क्या दे रखा है पूर्णतः सिंचित पूर्णतः सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी सेक्टर पूर्णतः सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी सेक्टर यह अपना किसका है पश्चिम बी कृषि जलवायु खंड का नाम है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले इसके अंतर्गत आते हैं टू पॉइंट वन मिलियन हेक्टेयर इसका सेक्टर पल है औसत वार्षिक वर्षा की बात की जाए तो लगभग 100 से 300 सौ mm तक औसत वार्षिक वर्षा है फिर उसके बाद में बात करते अपने कृषि जलवायु खंड की तो यहां अपना आ जाता है कौन सा पष्ट सी पश्ष्ट सी के अंतर्गत देखा जाए तो यहां बीकानेर चूरू और जैसलमेर अब देखा जाए तो तीनों ही एरियाज हैं काफी इनका सेक्टर पल बड़ा है बीकानेर का भी है जैसलमेर का भी काफी बड़ा सेक्टर पल है चूरू का भी है तो यहाँ इस कृषि जलवायु खंड की बात की जाए तो इसका जो पल है सेवन पॉइंट सेवन मिलियन हेक्टेयर सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड अगर कोई सा है तो वो कौन सा है पस्ट सी सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड फिर इसके बाद में यहां देखा जाए तो औसत वार्षिक वर्षा लगभग वही सौ से तीन mm सौ एम के आसपास है और अब यहां जो बात की जाए इस सेक्टर की कि लगभग बीकानेर है चूरू है अपना जैसलमेर है कुछ बात क्या है इंदिरा गांधी नहर से निकली गई जो लिफ्ट लिप्टर है उनके द्वारा कुछ मात्रा में सिंचित है पूर्ण सिंचित नहीं है तो उसी आधार पे पर्स्ट सी का भी नामकरण दिया हुआ है और पर्स्ट सी का नामकरण क्या दिया हुआ है सीधा सीधा कि पहला तो क्या है चूरू जैसलमेर और बीकानेर का नाम आते ही शुष्क है बहुत ज्यादा तो इसका नाम क्या देंगे अति शुष्क अति शुष्क और फिर उसके बाद में क्या है अल्प सिंचित है तो इसी का दूसरा शब्द लेंगे अति शुष्क व लघु सिंचित शुष्क लघु सिंचित और अपना किस दिशा में है पश्चिमी तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ये इसका दूसरा नाम जो अपना फर्स्ट सी कृषि जलवायु खंड है उसका है और सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है इसलिए अपने को इसीलिए भी यहां नाम याद रखना है और 7.7 मिलियन हेक्टेयर इसका सेक्टर पल है अभी इंस्टीट्यूट की मैं नेक्स्ट जो अपना एक मैप और बनाएंगे उसमें अपन संबंधित इंस्टीट्यूट की भी बात करेंगे नेक्स्ट उसके बाद में अपन लेते हैं यहां पर अपना जो कृषि जलवायु खंड है वो कौन सा है सेकेंड ए सेकंड ए कृषि जलवायु खंड की जो बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो आने वाले जिले हैं उसमें है सीकर झुंझुनू और इसके अलावा नागौर अब इसके अलावा यहां बात की जाए इसके सेक्टर पल की तो इसका सेक्टरपल कितना है 3.69 मिलियन हेक्टेयर या अपन इसको कह सकते हैं छत्तीस 36.9 लाख हेक्टेयर के आसपास इसका सेक्टरपल है अब यहां देखा जाए तो एक अपन एक रेखा और बनाते हैं यह है पचास सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है दो बराबर भागों में विभाजित करती है या जिसको अपन कह सकते हैं अपनी अरावली पर्वतमाला तो इसके जो ऊपरी भाग है उत्तरी पश्चिमी भाग है उसमें 500 सौ एम से कम वर्षा होती है और नीचे वाले भागों में 500 सौ एम से अधिक वर्षा होती है अब अपन देखते हैं कि इस सेक्टर में थोड़ी सी वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है तो वर्षा की मात्रा बढ़ने के कारण अपन बात की जाए कि अपना जो पास्ट ए है उसकी जो औसत वार्षिक वर्षा है वो लगभग कितनी आती है 300 से 500 सौ mm एम के आसपास आ जाती है या कई बार इसको पूछ सकते हैं कि तीस से पचास सेंटीमीटर के आसपास औसत वार्षिक वर्षा किस कर सी जलवायुखंड के तो वो अपनी सेकंड ए और सेकंड बी की आती है नेक्स्ट इसके बाद में सेकंड ए का जो बात की जाए यहाँ सिक्कर झुंझुनू नागौर अब इसकी जो नामकरण की मैं बात करूँ सेकेंड बी की सॉरी सेकंड ए की तो सेकंड ए का जो नाम है वो क्या है सीकर झुंझुनू नागौर ये टोटल जितनी भी वर्षा होती है वो टोटल पानी धरातल के नीचे चला जाता है किसी प्रकार से कोई नित्यवाही नदी का निर्माण नहीं होता है कुछ यहां अंत प्रवाही की नदियां इन जिलों में जरूर पाई जाती है लेकिन टोटल पानी क्या है इनलैंड ड्रेनेज हो जाता है तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा है अंत स्थलीय अंत स्थलीय मतलब जितना बारिश होगी पूरा का पूरा पानी इनलैंड ड्रेनेज हो रहा है उसी के आधार पर इसका नामकरण दे दिया गया है अपने कौन से का सेकंड ए का फिर बात करते हैं सेकंड ए से तो आगे चलेंगे तो अपना कौन सा आएगा सेकंड बी और सेकंड बी के अंतर्गत जो अपने आने वाले जिलों में है तो यहां जो बात की जाए नागौर के पास में यहां पाली जालोर और सिरोही इसका जो औसत सेक्टरपल है इस कृषि जलवायु खंड का वो कितना है तीन मिलियन हेक्टेयर कितना है तीन मिलियन हेक्टेयर इस सेक्टर का जो औसत सेक्टरपल है इन तीनों जिलों का जो लगभग मिला के कृषि जलवायु खंड बनाया गया है उसका औसत सेक्टरपल कितना है तीन मिलियन हेक्टेयर इसका औसत सेक्टरपल है अब उसके आगे अपूर्ण बात की जाए कि इसके अंतर्गत जो इसका नामकरण है वो किस आधार पे दिया गया है तो यहां अपने अजमेर से एक नदी निकलती है पहाड़ से लूनी नदी लूनी नदी क्या होती है कि जालोर पाली से होते हुए आगे की तरफ बाड़ोत्रा तक जाती है बाड़मेर तक लेकिन अपने को पता है कि जालोर पाली सिरों इन सेक्टरों का जो पानी है वो जल निकास है वो किस नदी से होता है लूनी नदी से तो उसी के आधार पे इसका नामकरण रखा गया है सीधा सीधा क्या है कि लूणी नदी का अपना जो सेकंड बी कृषि जलवायु खंड है उसका नाम क्या है लूणी नदी का अंतर्वर्ती जलोसरण क्षेत्र लूणी नदी का अंतर्वर्ती जलोसरण सेक्टर इसका नामकरण रखा गया है औसत वार्षिक वर्षा इस सेक्टर की कितनी है 300 से 500 सौ mm. एम इस प्रकार से अपना सेकंड बी जो कृषि जलवायु खंड है उसका नामकरण भी बहुत ईजी है अपने को केवल इतना याद रखना है कि इन सेक्टरों का जो जल निकास का कार्य करती है वो कौन करती है अपनी लूणी नदी करती है नेक्स्ट के बाद में बात की जाए कृषि जलवायु खंड की तो वो अपना कौन सा कृषि जलवायु खंड आ जाता है थर्ड ए थर्ड ए की बात की जाए तो थर्ड ए के अंदर आने वाले जो जिले हैं उनमें है जयपुर दोसा अजमेर और टोंक अब यहां बात की जाए तो यहाँ जो जयपुर है वो किस दिशा में आ रहा है जयपुर दो टोंक अजमेर एक तो पूर्व दिशा की तरफ ही आ रहे हैं दूसरा अपने एक 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा जो खेची थी तो उस 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा के नीचे की तरफ आ रहा है तो अब अपने को पहला तो क्लियर ये हो रहा है कि धीरे धीरे यहाँ वर्षा की मात्रा बढ़ रही है दोस्तों जहां अगर वर्षा की मात्रा बिल्कुल ही कम हो उन सेक्टरों को अपन क्या कहा जाता है शुष्क सेक्टर कहा जाता है और जिन क्षेत्रों में अगर वर्षा की मात्रा 500 सौ mm एम से अधिक हो पाँच से 700 सौ mm एमएम के बीच में हो उन सेक्टरों को अपन किस में ले जाते हैं अर्ध शुष्क सेक्टरों में ले जाते हैं और जिन सेक्टरों में अगर वर्षा की मात्रा 700 सौ mm एम से भी अधिक हो और लगभग अपनी कितनी 900 सौ mm एम तक चली जाए उनको अर्ध आर्द्र की श्रेणी में ले जाते हैं और जिनमें हजार एम mm एम से अधिक बारिश हो उनको किसमें आर्द्र श्रेणी के सेक्टरों में रखेंगे तो पहला अपना यहाँ जो बात की जाए इस सेक्टर की तो यहाँ जो अपना थर्ड ए कृषि जलवायु खंड है इसका पहले तो अपन पल तो इसका 2.29 मिलियन हेक्टेयर जो है, सेक्टर पल है 2.29 मिलियन हेक्टेयर सेक्टर पल है। फिर इसके बाद में जो बात की जाए सेक्टर की औसत वार्षिक वर्षा की तो इस सेक्टर की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी है पांच से सात सौ एम से 700 mm. सौ एमएम mm इस सेक्टर की औसत वार्षिक वर्षा है अब इस सेक्टर का जो नामकरण करेंगे तो इस सेक्टर का जो नामकरण है वो क्या होगा पहला तो क्या है कि वर्षा की मात्रा बढ़ गई इसलिए क्या नाम देंगे शुष्क और फिर उसके बाद में यह किस दिशा में स्थित है पूर्व में तो इसका सीधा सा नाम है शुष्क पूर्वी मैदानी सेक्टर। तो इसीलिए इसका नाम देंगे शुष्क पूर्वी मैदानी सेक्टर अब बात की जाए इसके अंतर्गत जयपुर है दोसा है टोंक है और अजमेर अपने जिले इसके अंतर्गत आ जाते हैं नेक्स्ट इसके बाद में बात की जाए अपना जो है वो है थर्ड बी थर्ड बी के अंतर्गत जो बात की जाए तो यहां आने वाले जिलों में थर्ड बी के अंतर्गत अपना अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर और धौलपुर अब यहां इस सेक्टर की बात की जाए तो औसत वार्षिक वर्षा है जो थर्ड बी की वो भी कितनी है 500 से 700 सौ एम एम ने अलावा जो बात की जाए इस सेक्टर का जो औसत इस कृषि जलवायु खंड का सेक्टर पल कितना है तो इस सेक्टर का जो औसत पल है वो कितना है 2.77 मिलियन हेक्टेयर ये इसका औसत सेक्टर पल है नेक्स्ट इसके बाद में इस सेक्टर में जो थर्ड बी कृषि जलवायु खंड है दोस्तों मैं बता देता हूं कि अपने जो दक्षिणी भागों से यहां देखा जाए तो जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है उसके आगे एमपी आ जाता है और एमपी की जो जाना पाव की पहाड़ियां वहां से चंबल नदी प्रवाह होकर आती है जो अपने कोटा बूंदी बारा झालावाड़ इन जिलों से होते हुए और धीरे धीरे आगे सोए माधोपुर करौली धौलपुर इनके आसपास से भी निकलती है और यहाँ देखा जाए तो उससे आगे जाकर वो किस में मिलती है आगरा के पास यमुना में मिल जाती है तो यहाँ बात की जाए कि जैसे ही इस नदी में बहुत ज्यादा बारिश होती है या उफान आता है तो इन सेक्टरों में भी क्या आने की संभावना बढ़ जाती है बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है तो इसीलिए इस सेक्टर का नाम बहुत ईजी है साधारण रूप से उसी के आधार पर इसका नामकरण कर रखा है कि बाढ़ संभावित क्या कर रखा है बाढ़ संभावित पूर्व दिशा में है इसलिए क्या नाम दिया पूर्वी मैदानी सेक्टर बाढ़ संभावित पूर्व मैदानी सेक्टर इसका नामकरण कर रखा है तो इसीलिए इजी है अपने को कहीं इसमें ज्यादा कृषि जलवायु खंडों के नामकरण कई बार रटने लग जाते हैं तो रटने की आवश्यकता नहीं है बहुत इजी है अपने को थोड़ा सा जियोग्राफिकली याद करना है कि राजस्थान के किस सेक्टर में क्या भौगोलिक स्थितियां हैं नेक्स्ट इसके बाद में बात किया जाए तो अपना कृषि जलवायु खंड आएगा फोर्थ ए और फोर्थ ए करी जलवायु खंड की बात की जाए तो फोर्थ ए के अंदर अपने आने वाले जो जिले हैं यहां अजमेर से आगे चलते हैं तो भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से आगे चले तो अपना कौन सा आ जाएगा चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ से आगे चले तो उदयपुर और यही साइड में है राजसमंद चारों जिले अपने किसके अंतर्गत आते हैं फोर्थ ए कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं उदयपुर का कुछ भाग जो दक्षिणी भाग है कुछ भाग जो है वो किस में चला जाता है। अपना बी में भी जाता है है अपना फोर्थ बी भी लेकिन मोस्टली अपने को ध्यान रखना है जो मुख्य कृषि का सेक्टर है वो किसके अंतर्गत आता है फोर्थ ए में अब बात करते हैं यहाँ फोर्थ ए कृषि जलवायु खंड में तो यहाँ इसका जो औसत सेक्टर पल है वो कितना है थ्री मिलियन हेक्टेयर अब ने देखा होगा कि राजस्थान में जो मानसून की वर्षा प्रवेश करती है वो दक्षिणी भागों से प्रवेश करती है डूंगरपुर बांसवाड़ा होते हुए प्रवेश करती है तो दक्षिणी भागों में वैसे ही बारिश अधिक होती है तो यहां इस सेक्टर की जो औसत वार्षिक वर्षा बात की जाए अपने फोर्थ ए कृषि जलवायु खंड की तो फोर्थ ए कृषि जलवायु खंड की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो लगभग कितनी होती है पांच से नौ सौ mm तक होती है तो अब यह सेक्टर क्या होगा कि अर्ध शुष्क अपना थर्ड जलवायु खंड आया था तो अब राजस्थान का जो नीचे वाला पहा है वो धीरे धीरे क्या होता है बारिश की अधिकता के कारण यहां आदरता बढ़ती जाती है तो इसको अभी अपन नाम क्या देंगे पहला तो अगर अर्ध शुष्क के बाद में अगर और बारिश की मात्रा बढ़ती है तो उसको अपन नाम क्या देते हैं अर्ध आद्र तो यहां बहुत ईजी इसका भी नामकरण करना कि इसका नामकरण क्या रख लेंगे अपन अर्ध आद्र और किस दिशा में है दक्षिण में तो दक्षिणी मैदानी सेक्टर यह अपना किसका फोर्थ ए का नामकरण हो जाएगा अब यहां इसमें भीलवाड़ा चित्तौड़ उदयपुर और राजसमंद ये जिले आ गए नेक्स्ट इसके बाद में आगे वाला जो कृषि जलवायु खंड है वो अपना कौन सा आएगा फोर्थ बी और फोर्थ बी में अपने जो बचे हुए इधर के जिले हैं दक्षिण भाग में जो राजसमंद से आगे नया जिला बनाता वो है प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ के अलावा यहां है बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये जो जिले हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं फोर्थ बी कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं और यहां देखा जाए तो इसका सबसे कम भौगोलिक सेक्टर प्लईस करसी जलवायु खंड का और वो कितना है मिलियन हेक्टेयर या सत्रह लाख हेक्टेयर जब मैंने पहले ही कहा था कि सबसे बड़े कृषि जलवायु खंड का जो सेक्टर पल है सेवन पॉइंट सेवन मिलियन हेक्टेयर है और सबसे छोटे का कितना है मिलियन हेक्टेयर बोलने में भी इजी रहता है कि सतर लाख हेक्टेयर सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड और सत्रह लाख हेक्टेयर सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड या फिर वैसे याद रख लो कि सेवन मिलियन हेक्टेयर है जो सबसे बड़े कृषि जलवायु खंड पास्ट सी का है और जो वन uh,

एक हजार एम एम तक रहती है और यहां अर्ध आद्र से इसको किस श्रेणी में ले जाएंगे आद्र में और इसका नामकरण जो फोर्थ ए का नामकरण है उसमें से मात्र अर्ध शब्द उठाना बाकी सारा सेम वैसा का वैसा रहेगा तो इसका नाम अपन क्या देंगे आद्र दक्षिणी मैदानी सेक्टर यह अपने किसका नाम था फोर्थ बी कृषि जलवायु खंड का नाम था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है क्यों क्योंकि यहां जो बांसवाड़ा है यहां पर क्या की जाती है शरदकालीन मक्का उगाई जाती है भारत में देखा जाए तो जो शरदकालीन मक्का है वो कहां उगाते हैं बिहार में और यहां राजस्थान की बात की जाए कि शरदकालीन मक्का कहां उगाई जाती है तो वो कहां उगाई जाती है अपने बांसवाड़ा में बाकी अपनी जो मक्का है वो वैसे खरीफ सीजन में उगाई जाती है नेक्स्ट इसके बाद में बात करें तो अपना कृषि जलवायु खंड है फिफ्थ और फिफ्थ कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत जो औसत बात की जाए इसका जो सेक्टरपल है फिफ्थ कृषि जलवायु खंड का वो कितना है 2.70 मिलियन हेक्टेयर और इसके अंतर्गत जो आने वाले जिले हैं वो टोटल अपना हाड़ोती सेक्टर जिसको अपन बोला जाता है जिसके अंतर्गत कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ ये जिले इसके अंतर्गत आते हैं कोटा बूंदी बारा झालावाड़ और सेवन टू पॉइंट सेवन जीरो मिलियन हेक्टेयर इसका सेक्टरपल है यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा की बात की जाए तो लगभग छह से ग्यारह सौ एम तक यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा है अब इस सेक्टर की बात की जाए तो ये सेक्टर क्या है दोनों तरफ है दक्षिण में भी है और कुछ भाग इसका किस में है पूर्व में भी है तो उसी के आधार पे इसका नामकरण किया हुआ है और जो लास्ट के तीनों कृषि जलवायु खंड है फोर्थ बी फोर्थ ए और फिफ्थ इनके नामकरण में बहुत ही सावधानी अपने को रखनी है क्योंकि इनमें ज़्यादा नाम में कोई विशेष अंतर नहीं है तो अपना जो फिफ्थ कृषि जलवायु खंड है तो फिफ्थ कृषि जलवायु खंड का जो नाम है वो देखा जाए तो वो अपना क्या है यहाँ फिफ्थ कृषि जलवायु खंड का जो नाम दे रखा है वो है या तो अति आद्र और दक्षिणी पूर्वी मैदानी दक्षिणी पूर्वी मैदानी ये अपने फिफ्थ कृषि जलवायु खंड का नाम है अब इसी प्रकार से इसमें अपन जब अपने को यह पता हो गया कि, कि किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत कौन कौन से जिले आ रहे हैं किस कृषि जलवायु खंड का कितना भौगोलिक सेक्टरपल है तो अब उसमें अपन ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे विशेष इंस्टीट्यूट है कृषि से संबंधित कौन सी ऐसी विशेष फसलें हैं जिनका सर्वाधिक सेक्टरपल उन एरियाज में है या कोई विशेष ऐसा पशु है या विशेष कोई ऐसी कृषि से संबंधित अपनी कोई मंडी विशेष है या कोई विशेष बड़ा इंस्टीट्यूट कारखाना है जो उन्हीं सेक्टरों के अंतर्गत है।, है तो इनके लिए अब अपन नेक्स्ट आगे बात करते हैं यहाँ फिर अब यहां फिर से अपन बात की जाए तो अपना जो पस्ट ए कृषि जलवायु खंड था ए के अंतर्गत अपना कौन कौन सा था जोधपुर और बाड़मेर जोधपुर और बाड़मेर अब यहां इसके अंतर्गत जो जोधपुर अगर बाडमेर है तो जोधपुर और बाडमेर में मुख्य रूप से देखा जाए तो मुख्य जो इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो यहां क्या है सी ए जेड आर आई और यह कहां स्थित है जोधपुर में काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट अब अपने से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि पस्ट ए कृषि जलवायु खंड में से निम्न में से कौन सा जो है कृषि अनुसंधान या कृषि से संबंधित संस्थान स्थित है तो यहां बात की जाए काजरी इसके अलावा जोधपुर के अंदर ही अपना क्या है आपरी एग्रो जो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके अलावा एयू जोधपुर जो आपका कृषि विश्वविद्यालय है वो भी कहां स्थित है मंडोर में वो कहां स्थित है मंडोर जोधपुर के अंदर अब यहां बात की जाए तो जो राजस्थान के अंदर अभी वर्तमान में पांच कृषि विश्वविद्यालय हैं जिनमें से देखा जाए कि अपना जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है वो है स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है बीकानेर में फिर उसके बाद में अपना महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय है जो कहाँ स्थित है उदयपुर में लेकिन तीन कृषि विश्वविद्यालय जिनके एक साथ घोषणा हुई थी वो थे आपका जॉबनेर करण श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय इसके अलावा आपका जो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय और कोटा कृषि विश्वविद्यालय तो यहाँ जो बात की जाए मेनली तो यहां अपना जोधपुर के अंदर संबंधित जो संस्थान है उसकी बात हो रही है नेक्स्ट इसके बाद में फिर अगर, अगर अपन बात की जाए यहां पश्च बी पश्च बी में मैंने बताया था कि गंगानगर और हनुमानगढ़ है इस सेक्टर के अंदर अगर मुख्य रूप से कोई चीज अपने को याद रखनी है तो वो याद रखनी है कि गंगानगर जो मेनली किसके उत्पादन के लिए फेमस है किन्नों के उत्पादन के लिए फेमस है सबसे ज्यादा अगर किन्नों का कहीं उत्पादन होता है तो वो कहां होता है गंगानगर में इसके अलावा देखा जाए तो यहां सूरतगढ़ में एशिया की सबसे बड़ी जो एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म और वो भी कहां स्थित है सूरतगढ़ के अंदर यहां बात की जाए तो सबसे बड़ा एशिया का मैकेनिकल फार्म है जहां पर सभी खेती से संबंधित क्रियाएं किससे की जाती है मशीनों से की जाती है बुआई से लेकर कटाई तक ग्रेडिंग तक मिनिमम लेबर यूज की जाती है उसके अंतर्गत केवल जो मशीनरीज को ऑपरेट करने के लिए लेबर काम में लेते हैं बाकी कार्य सारा का सारा किससे होता है मशीनों से होता है इसके अलावा देखा जाए तो अपनी जो मर्दा स्वास्थ्य कार्ड योजना थी उसका भी शुभारंभ कहां से हुआ था गंगानगर से ही उन्नीस फरवरी 2015 को इसका जो है शुभारंभ किया गया था भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा इसका सूरतगढ़ गंगानगर से प्रारंभ किया गया था बहुत बड़ी एक पूरे भारत में लागू की गई योजना है जिसका शुभारंभ कहां से हुआ था राजस्थान से नेक्स्ट इसके बाद में बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो गेहूं का उत्पादन है वो भी किस कृषि जलवायु खंड में होता है फर्स्ट बी में इसके अलावा पूछ लिया जाए कि राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु खंड है जो सर्वाधिक मात्रा में सिंचित है तो पूर्णतः सिंचित भी फर्स्ट बी है या नेहरू द्वारा सर्वाधिक सिंचित कृषि जलवायु खंड आएगा तो वो भी कौन सा आएगा फर्स्ट बी आएगा नेक्स्ट इसके बाद में अगर बात की जाए अपना तो यहाँ जो पस्ट सी कृषि जलवायु खंड है और पस्ट सी जो सबसे बड़ा भी है याद रखना है 7.7 मिलियन हेक्टेयर इसके अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं बीकानेर चूरू और जैसलमेर अब यहाँ इसके अंदर जो आने वाले मुख्य संस्थान है तो एक तो अपना जो सबसे फेमस संस्थान है वो क्या है एस के आर ए यू स्वामी केशवानंद कृषि स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ और क्या है सी आई ए एच सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर दोस्तों ये ध्यान रखना तीन मुख्य संस्थान है जिनको अपने को ध्यान रखना जरूरी होता है एक अपना जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर है जो बीकानेर में है एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर है जो आपका कहाँ स्थित है, है? लखनऊ में स्थित है एर एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर है जो कहाँ स्थित है श्री गंगानगर के सॉरी श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है तो इनको अपने को ध्यान में रखना है क्योंकि एक टेम्परेट ठंडे इलाकों के जो फल होते हैं उनसे संबंधित अध्ययन किया जाता है तो वो अपना कहाँ है श्रीनगर के अंदर और एक अपना है जो शुष्क जलवायु वाले फल हैं उनके बारे में अगर कोई अध्ययन किया जाए पूरे भारतवर्ष का एक मुख्य है वो कहां स्थित है बीकानेर में स्थित है इसके अलावा यहीं पे अपना ऊंट अनुसंधान केंद्र है के अलावा जो बात की जाए अपना खजूर उत्कृष्टता केंद्र यह कहां स्थित है सगरा भोज का जैसलमेर सगरा भोजक का जैसलमेर में तो इस प्रकार से अपने को यह ध्यान में रखना है कि इसमें मुख्य रूप से फर्स्ट जो सी कृषि जलवायु खंड है सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है इसके अंतर्गत अपना मुख्य जो संस्थान है वो क्या है तो यहाँ जो स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय आ गया सी आई एच आ गया ऊंट अनुसंधान केंद्र आ गया और खजूर उत्कृष्टता केंद्र भी अपना यही है दोस्तों फिर कई बार कंफ्यूज कर देता है अगर खजूर अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो वो कहां आएगा बीकानेर में और खजूर उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर ऑफ डेट पॉम तो वो कहां पर आएगा सगरा भोजक का जैसलमेर के अंदर सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड भी है नेक्स्ट इसके बाद में बात की जाए अपना सेकंड ए सेकंड ए के अंतर्गत अपना क्या आ जाता है नागौर झुंझुनू और इसके अलावा अपना जो है एह, सीकर नागौर झुंझुनू और सीकर की बात की जाए तो यहां इस एरिया के अंदर मुख्य रूप से देखा जाए तो जो फर्स्ट केवी के, के हैं राजस्थान का पहला केवीके है उन्नीस के सॉरी उन्नीस के अंदर भारत का जो पहला केवीके है वो कब बनाता उन्नीस में पांडिचेरी में और राजस्थान का जो प्रथम केवीके है वो है उन्नीस में फतेहपुर सेकावटी सीकर के अंदर इसके अलावा देखा जाए इस सेक्टर के अंदर जो नागौर है वो और किस चीज के लिए फेमस है एक पान मेथी दो प्रकार की मेथी होती है एक दाना मेथी होती है और एक अपनी होती है पान मेथी जो यहाँ पान मेथी के लिए भी फेमस है नागौर सीकर है जो चवला उत्पादन के लिए भी फेमस है इसके अलावा जो बात की जाए अपना जो कृषि जलवायु खंड आता है वो आता है कौन सा सेकेंड बी सेकंड बी के अंदर जालोर है पाली है और सिरोई है तो जालोर पाली और सिरोई की बात की जाए तो जालोर अपना किसके लिए अनार उत्पादन के लिए फेमस है जीरा उत्पादन के लिए फेमस है वैसे देखा जाए तो आजकल सबसे ज्यादा जीरा उत्पादन में बाडमेर का सेक्टर आने लग गया और अब यहाँ बात की जाए तो जालोर वैसे क्वालिटी जो जीरे की बात की जाए तो सबसे अच्छा जीरा कहाँ होता है जालोर में सबसे अच्छे अनार कहाँ होते हैं जालोर में इसके अलावा जो पाली में एक जगह है सोजत जो सबसे ज्यादा फेमस है किसके लिए मेहंदी के लिए और इसीलिए यहां सोजत किसके लिए है मेहंदी उत्पादन के लिए सिरोई जो अपनी है दोस्तों यह सॉप उत्पादन के लिए फेमस है इसके अलावा यहाँ पपीता का भी उत्पादन बहुत अच्छा होता है सिरोई और पाली के एडजॉइनिंग जो एरियाज है उनमें तो इसीलिए यहाँ सॉप उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है तो क्या है सिरोई है नेक्स्ट इसके बाद में जो बात करें अपना जो कृषि जलवायु खंड की तो वो कौन सा है थर्ड ए और थर्ड ए काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चन भी पुटअप किए गए हैं कि थर्ड ए के अंतर्गत आने वाले जिले तो कौन से आ गए जयपुर टोंक दौसा और अजमेर तो यहाँ जयपुर के अंदर बात की जाए तो एक तो क्या है रारी जो यहाँ मेनली अपनी बात की जाए दुर्गापुरा के अंदर है राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ स्थित है दुर्गापुरा इसके अलावा एस के एन ए यू ये कहाँ स्थित है अपनी श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है अपना कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में ये सब इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है जयपुर के अंदर ही इसके अलावा अपना जो अनार उत्कृष्टता के अंदर ये कहाँ पर है डिंडोल बस्सी ये भी अपना कहाँ है जयपुर में आ जाता है नेक्स्ट इसके बाद में बात करें टोंक में तो टोंक में जो फेमस इंस्टीट्यूट है वो सबसे अच्छा है सी एस डब्ल्यू आर आई सेंट्रल सिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी का नगर एक जगह है टोंक में जहाँ पर यह है केंद्र सरकार का एक मुख्य संस्थान बनाया गया है और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट है सी एस डब्ल्यू आर आई है और इसके अंदर देखा जाए तो यहीं से अपनी दो मुख्य भेड़ की नस्लें भी अपने को याद रखनी है, इसी के साथ में ताकि अपन एनिमल हस्बेंड्री पड़े तो वहां भी दिक्कत नहीं आए अविकालीन और अविवस्त्र ये दोनों ही नस्लें कहाँ से निकाली गई है अविकानगर जो टॉक्स अपना इंस्टीट्यूट है वहां से निकाली गई है नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ अपना जो जिला है अजमेर अजमेर में दोस्तों अपने को याद रखना है एन आर सी एस एस बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है ये भी आ, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइस राष्ट्रीय बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र अब यहाँ जो अपना डाउट है वो क्लियर करना है कि मसाला अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है कालीकट केरला के अंदर और बीजे मसाले बीजे मसालों में कौन कौन से आते हैं मेथी है सौंप है, है धनिया है जीरा है अजवाइन है इनसे संबंधित अगर कोई अपना संस्थान है तो वो कहाँ स्थित है तबीजी अजमेर में अजमेर में जगह है तभी जी वहीं पे। इसके अलावा सर्वाधिक गुलाब उत्पादन के लिए भी अगर फेमस है तो वो क्या है अजमेर लेकिन अगर बात आती है चेती गुलाब की कि चेती गुलाब सर्वाधिक कहाँ उत्पादन होता है तो वो खमनोर राज आएगा अगर साधारण गुलाब की बात हो तो सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है अपना अजमेर में तो अजमेर गुलाब उत्पादन के लिए भी फेमस है नेक्स इसके अलावा टोंक में अपना एक और अमरूद उत्कृष्टता केंद्र भी बना दिया गया है देवड़ावास देवड़ावास ये जगह का नाम है और यहां पर क्या है अमरूद अमरूद उत्कृष्टता केंद्र तो इस प्रकार से यह है अपने थर्ड ए कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के जो संस्थान थे और इनकी अपन बात की जाए तो ये मेनली इसके अंतर्गत आते हैं नेक्स्ट इसके बाद में अपन जो बात करें यहाँ राजस्थान के अन्य कृषि जलवायु खंडों की तो यहाँ अपना कृषि जलवायु खंड लेते हैं अपना कौन सा थर्ड बी थर्ड बी के अंतर्गत दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि इसके अंतर्गत जो आने वाले अपने जिले हैं उसमें कौन कौन से हैं अलवर है भरतपुर है धौलपुर है, है और करौली है और सवाई माधोपुर है ये इसके अंतर्गत आते हैं अब इसके अंतर्गत आने वाले जो जिलों के साथ में अपने इनसे संबंधित भौगोलिक स्थिति पता हो जानी चाहिए और यहां मैंने पहले ही कहा था कि केवल इस क्षेत्र में बाढ़ के संभावनाओं की वजह से इसका नाम क्या रखा है बाढ़ संभावित क्षेत्र अलवर भरतपुर करौली धौलपुर माधोपुर तो यहां बात की जाए सरसों अनुसंधान केंद्र सरसों अनुसंधान केंद्र यह कहां स्थित है सेवर भरतपुर में जिसका पहले एनआरसी मस्टर्ड किया गया था नाम अब उसका नाम परिवर्तन करके डीआरएमआर कर दिया गया है डायरेक्टेड ऑफ रेपसिड एंड मस्टर्ड और ये कहाँ स्थित है सेवर भरतपुर के अंदर इसके अलावा देखा जाए तो इस सेक्टर के अंदर अपना जो अलवर है वो किस चीज के लिए फेमस है अलवर किसके लिए मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी पालन के लिए भी फेमस है इसके अलावा ये पूरा ही जो कृषि जलवायु खंड है थर्ड भी ये सरसों उत्पादन के लिए भी फेमस है धौलपुर धौलपुर में दोस्तों क्या बनाया गया है आम उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया एक्सीलेंस सेंटर ऑफ मैंगो वो कहाँ बनाया गया है खेमरी जो जगह है धौलपुर में वहां अपन ने क्या बना रखा है आम उत्कृष्टता केंद्र भी बनाया गया है इसी प्रकार से यहां जो ये पूरा का पूरा सेक्टर है बहुत ही अच्छी जो है सरसों की खेती होने की वजह से ही ये मधुमक्खी पालन के लिए फेमस है इसी प्रकार यहाँ भरतपुर के अंदर अपना जो पहला जैविक खाद का कारखाना है उसकी स्थापना की गई है नेक्स्ट आगे वाला जो कृषि जलवायु खंड लेते हैं वो अपना कौन सा है फोर्थ ए और फोर्थ ए कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत जो जिले थे वो कौन कौन से थे उदयपुर इसके अलावा अपना कौन सा था भीलवाड़ा इसके अलावा राजसमंद और चित्तौड़गढ़ तो दोस्तों सीधा सही है जहां अगर इस सेक्टर के अंदर अपन बात करें कि भीलवाड़ा तो भीलवाड़ा के अंदर जो मेनली फेमस है वो क्या है कि सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचाई अगर किसी जिले में होती है तो वो किसमें होती है अपनी भीलवाड़ा में और अब बात करें इस कर्सी जलवायु खंड में जो फेमस चीज है वो अपनी उदयपुर के अंदर क्या आ जाती है एम पी यू ए टी महाराणा प्रताप कर सिंह प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है इसके अलावा जो डेरी टेक है वो भी यहीं स्थित है इसके अलावा जो बात की जाए यहाँ कि अपना जो चित्तौड़गढ़ है वहां पे क्या बनाया गया सीताफल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है सीताफल उत्कृष्टता केंद्र वो कहाँ स्थित है चित्तौड़गढ़ में अब इसके अलावा भी देखा जाए तो दोस्तों ये सेक्टर जो अपना है कौन सा चित्तौड़गढ़ और राजसमंद इन दोनों की वजह से अपन ये भी कह सकते हैं कि फोर्थ ए कृषि जलवायु खंड में सर्वाधिक औषधीय पौधों की खेती की जाती है क्यों क्योंकि अपना जो चित्तौड़गढ़ है राजसमंद है इस सेक्टर में एक तो सबसे अच्छी फसल होती है किसकी अफीम की इसके अलावा यहाँ और भी देखा जाए तो तुलसी है असुगंधा है इनकी भी खेती काफ़ी मात्रा में की जाती है इसलिए सर्वाधिक औषधीय खेती की जाने वाला कृषि जलवायु खंड है वो कौन सा अपना फोर्थ ए है नेक्स्ट के बाद में जो अपना कृषि जलवायु खंड आता है वो कौन सा है फोर्थ बी फोर्थ बी के लिए पहला तो काम ने पहले ही रट रखा था कि सबसे छोटा है और सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा अपना फोर्थ बी याद अपने को न, जो रखना है 1.72 मिलियन हेक्टेयर दोस्तों मैं पहले बता देता हूं सेक्टरपल में अगर दो यूनिट ने याद कर ली कि 7.7 मिलियन हेक्टेयर और 1.72 मिलियन हेक्टेयर तो बाकी जितने भी बचे हुए आठ कृषि जलवायु खंड है उनका सेक्टरपल की यूनिट हमेशा इसके बीच में ही आएगी तो इसीलिए अपने को क्यूशन करना बहुत ईजी हो जाएगा मान लो अगर इनसे बिलो और अबव जो भी यूनिट्स है उनको छोड़कर अपने को केवल चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन अपन ईजी वे में निकाल लेंगे नेक्स्ट इसके यहां देखा जाए तो इसमें आने वाले जिलों के अंदर क्या था बांसवाड़ा और डूंगरपुर इसके अलावा अपना था नया जि, बनावा जिला प्रतापगढ़ अब इनकी बात की जाए तो इस सेक्टर की जो मुख्य चीज है संस्थान वो क्या है यहाँ रबी मक्का का उत्पादन होता है वो भी कहा बांसवाड़ा में और यहाँ इसे आपने देखा होगा माही कंचन और माही धवल नाम की दो मक्का की किस्में हैं जो कहाँ से निकाली गई है प्रतापगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र के, के सहयोग से निकाली गई किस्में हैं और यहाँ यह सेक्टर काफी अच्छी मात्रा में विभिन्न प्रकार की अपनी जो है प्राकृतिक जो वनस्पति है वो भी यहाँ देखने को मिलती है और इस सेक्टर में जो है वर्षा की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ती रहती है तो इसीलिए अपने इसको नाम क्या दे रखा है आर्द्र दक्षिणी मैदानी सेक्टर है। इसके अलावा फिर अपना जो लास्ट कृषि जलवायु खंड है वो कौन सा है दोस्तों फिफ्थ कृषि जलवायु खंड नामकरण अपन ने क्या किया था आ, कुछ भाग पूर्व में और कुछ दक्षिण में है तो इसको नाम क्या दिया अति आद्र नाम क्या दिया अति आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी सेक्टर और इसमें कोटा है बूंदी है बारा है और झाला तो यहां बात की जाए कोटा के अंदर तो कोटा के अंदर मेनली तो अपना क्या है कोटा कृषि विश्वविद्यालय एयू कोटा कोटा कृषि विश्वविद्यालय है इसके अलावा है नींबू वर्गीय जो फल है उनका उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया नींबू वर्गीय फलों का उत्कृष्टता केंद्र कहां बनाया गया है कोटा के अंदर नेक्स्ट यहां देखा जाए झालावाड़ और वो किसके लिए फेमस है झालावाड़ किसके लिए संतरा उत्पादन के लिए अगर सबसे ज्यादा फेमस है तो वो क्या है झालावाड़ और झालावाड़ में भी दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है कि जो भवानी मंडी है वो किसके लिए फेमस है संतरा के लिए अगर सबसे ज्यादा फेमस है तो वो झालावाड़ की जो भवानी मंडी इसीलिए जो राजस्थान का नागपुर कहा गया है वो किसे कहा गया है यहाँ झालावाड़ को कहा गया है इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो भारत का प्रथम जो उद्यानिकी कृषि विश्वविद्यालय है वो है डॉक्टर वाई एस परमार उद्यानिकी कृषि विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश लेकिन यहाँ बात की जाए राजस्थान का महाविद्यालय कॉलेज हॉर्टिकल्चर अगर है तो वो कहाँ स्थित है झालावाड़ के अंदर है इसके अलावा ये जो फिफ्थ कृषि जलवायु खंड है इसमें सर्वाधिक काली मिट्टी है सर्वाधिक काली मिट्टी है इस सेक्टर के अंदर कि अगर सबसे ज्यादा काली मिट्टी वाला सेक्टर है तो वो कौन सा है फिफ्थ कृषि जलवायु खंड है और काली मिट्टी होने की वजह से सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन भी दोस्तों इसी सेक्टर में होता है इसलिए सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन करने वाला जो सेक्टर है वो भी अपना कौन सा है तृप्त कृषि जलवायु खंड है तो इस प्रकार से अपन ये कृषि जलवायु खंड का जो टॉपिक है बहुत ही ईजी तरीके से अपन ने समझा कहीं इसमें ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट करने की जरूरत नहीं है इसीलिए दोस्तों इसको ईजी वे में अपने को जो राजस्थान की संबंधित जो शब्दावली है राजस्थान का जियोग्राफिकली एरिया है संबंधित जो उस ज़िलेवार फसलें हैं उस जिलेवार जो संस्थान है, उनको अगर अपन उन याद रखेंगे तो किसी भी प्रकार से अपना क्वेश्चन गलत नहीं होगा थैंक यू